क्या इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ क्या अब आगे अपील करेगी, अदालत तक जाएगी इस फैसले के खिलाफ जो चुनाव आयोग ने लिया है। इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीएमएलएन के नेता जुड़ चुके हैं। आप क्या कहेंगे इरशाद अहमद खान साहब, यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है, एक तो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगता है तो दूसरी तरफ जो पुराने वजीर आजम हैं उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि सरकारी खजाने को ही लूट लिया और राशि तक जमा नहीं करवाई गई, चोरी छिपे काम किया गया, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि हमारी अदालतें आजाद हैं, आप लोगों ने देख लिया हमारे इदारे आजाद हैं। आज एक चोर को सजा मिली जिसको मिलनी चाहिए थी, ये पहले होना चाहिए था लेकिन थोड़ा लेट आया, देर आए दुरुस्त आए। पूरी कौम खुशियां मना रही है इस वक्त, पूरा पाकिस्तान खुशी में मुबतला है क्योंकि ये हक और सच की जीत है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान अहमद खान ने जो बोया वो काटा, इंशाल्लाह काटना पड़ता है, जो जो करप्शन करता है उसको सजा मिलती है। और आज आज हम समझते ये हैं, ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बहुत अच्छा फैसला आया, बड़ी खुशाइन बात है। तो दूसरी बात यह है कि अभी देखें, इनको अपील का हक तो है, इंशाल्लाह अदालतें भी इंसाफ करेंगी और अदालत से भी वही कुछ मिलेगा इन्हें जो आज मिला इलेक्शन कमीशन। शहबाज शरीफ सरकार क्या करेगी? देखिए शहबाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं करना, जो करना है अदालतों ने करना है, शहबाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया, ये अदालतों ने किया है क्योंकि लोग इसके खिलाफ गए हुए थे अदालतों में। एक चीज जो तोहफा है वो तोहफे को क्यों छुपाया? अगर इमरान खान अदालत ऊपरी अदालत में अपील करते हैं तो शहबाज शरीफ की सरकार इसके खिलाफ में अपील करेगी, इमरान खान को काउंटर करेगी, मैं वो पूछ रही हूँ। देखे वो तो अपील तब करेंगे ना कि इंसाफ नहीं होगा, हमारी अदालतें आजाद है, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। जो मैं ये कह रहा हूँ, जो बोया वो काटेंगे खान साहब और इंशाल्लाह वो सजा जो है ये बरकरार रहेगी, ये आप देखेंगे, ये वक्त बताएगा और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा है हमारे बने रहिए। इरशाद साहब आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता सहयोगी जो हैं गुलाम वो जुड़े हुए हैं, गुलाम अब्बास इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं। गुलाम अब आगे क्या खबर मिल रही है, क्या इमरान खान की पार्टी आगे अपील करेगी इमरान खान के खिलाफ? ये जो फैसला है बहुत बड़ा झटका है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आगे अपील की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए बाबर अवान हैं इमरान खान के वकील हैं, लॉयर हैं और उनके बड़े सीनियर नेता हैं पीटीआई के, उन्होंने ये कह दिया है। हमने अभी उनसे पूछा था थोड़ी देर पहले बात करते हुए, तो उन्होंने कहा है कि आज ही अपील हम लेके जा रहे हैं कोर्ट में और आज ही लगाएंगे। लेकिन निधि मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि ये जो अभी बात कर रहे थे इरशाद साहब कि लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर ग्राउंड पर बैठ के बता सकता हूँ कि इनकी सरकार के लिए बड़ी चुनौती शुरू होने जा रही है क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है जनता में और लोग इस वक्त सड़कों पे प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं। अभी निकलना जैसे ही खबर मिली है लोगों ने लाहौर, तो क्या कहेंगे इरशाद साहब? आपने ये कह दिया, गुलाम जी बता रहे हैं हमारे सहयोगी इरशाद, मुझे हमें इस जानकारी मिल रही है कि इरशाद जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बड़ी खबर बता दें कि चुनाव आयोग के बैन को चैलेंज करेंगे इमरान खान, बड़ी खबर आ गई है, बैन के खिलाफ कोर्ट जाएगी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई जाएगी कोर्ट, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे गुलाम अब्बास कि अब कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। ये फैसला नागवार है क्योंकि इमरान खान पॉलिटिक्स में इसलिए आए थे कि लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार चली गई, उनकी कुर्सी चली गई, भ्रष्टाचार के पहले भी आरोप लगे इमरान खान पर, लेकिन अब चुनाव आयोग ने बैन लगाया, इसके खिलाफ आगे अपील की जाएगी कोर्ट में। गुलाम अब्बास देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, उसका रीजन ये है कि तमाम 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट जो फील्ड में है, जो सरकार में है, लेकिन उनसे एक इमरान खान नहीं संभाला जा रहा। कोई भी इलेक्शंस होते हैं उसमें इमरान खान जीत जाते हैं, पॉपुलरिटी के सर्वेज आते हैं उसमें इमरान खान ऊपर होते हैं, तो अब उनको टेक्निकली नॉकआउट करने का जो ये प्लान है ये जिस तरीके से भी हुआ है मुझे लगता है कि ये ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। शायद सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिलेगी इमरान खान को, क्योंकि ये जो तोशा खाना का मामला है ये इतना सादा नहीं था कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। और इसमें एक और डिसीजन जो हमारे सामने है उसमें लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल केस प्रोसीड किया गया। हाल ही में गुलाम जब कुर्सी गई थी तब भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे इमरान खान पर। नहीं निधि मैं उस वक्त तो एक पूरा एक ऑपरेशन हुआ था ठीक है, चलिए नजर बना के रखिए। गुलाम माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, बहरहाल बहुत बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है और चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया, आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है
उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।